रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाली हैं जिनका कि भाग्य अप्रैल 2022 के महीने में चमकने वाला है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अप्रैल 2022 के महीने में बन रहे महालक्ष्मी योग के चलते इन राशि वालों की अब किस्मत चमकने वाली है, जिसकी वजह से यह राशि वाले अब अप्रैल के महीने में धन से मालामाल होने वाली हैं। अब इन राशि वालों के घर में स्वयं महालक्ष्मी जी के कदम पड़ने वाली हैं। जी हाँ, जिससे कि इन राशि वालों के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। साथ ही साथ इन राशि वालों को अप्रैल 2022 के महीने में अपार खुशियाँ, जिससे कि इन राशि वालों का अब जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं जिनका कि भाग्य अप्रैल 2022 के महीने में माता लक्ष्मी जी स्वयं चमकाने वाली हैं, ये खुशनसीब राशियाँ आखिर कौन सी हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अप्रैल का महीना आपकी राशि वालों के लिए धन, प्यार और सुखद पलों की सौगात लेकर आएगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल 2022 का महीना आप लोगों के धन के मामले में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि एक ओर जहाँ वित्त का महत्व आपके लिए बहुत इस दौरान ज़्यादा रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर आप सारे जहाँ की दौलत बटोरने के लिए भी उत्साहित रहेंगे, जिसके कारण अप्रैल का ये महीना आपके करियर के लिहाज से शानदार रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि इस महीने का प्रारंभ संपर्क व संचार के क्षेत्र में आप धमाके के साथ शुरू करेंगे। जी हाँ, बता दें कि आपको इस दौरान कार्यस्थल पर सहकर्मी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आपके लिए पदोन्नति की प्रबल आसार भी दिख रही है। साथ ही साथ इस दौरान आपके उच्च अधिकारी या बॉस आपके कार्य से प्रसन्न भी रहेंगे। अगर आप इस अप्रैल महीने में करियर पर फोकस रखेंगे तो आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि 2 अप्रैल से ही संयुक्त वित्त अधिग्रहण, धन लाभ व नकद धन के प्रभाव से जुड़े मामले आपके दिल और दिमाग को व्यस्त रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर का परिवर्तन, नए आवास में जाना, यहाँ तक कि घर से दूर नया घर बसाने की एक और संभावना हो सकती है। दोस्तों, इस राशि के लोग जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपको अच्छी नौकरी का प्रस्ताव सामने से मिलेगा और महीने के अंत से पहले आप ज्वाइन भी कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या नौकरी में, आपको पूर्ण सफलता इस दौरान प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बता दें कि 6 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आप निवेश के लिए जोखिम उठाने के पक्ष में होंगे। घूमने फिरने के लिए नई और उत्तेजक स्थानों पर आप जा सकेंगे। सभी स्तरों के संबंध, चाहे वो व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत हो या आपकी जिंदगी को खुशी प्रदान करने में आपके सहयोग करेंगे। सबसे बड़ा लाभ इस वक्त करियर में अच्छा लाभ होने से आपको मिलेगा। जो नौकरी पेशा हैं उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है, तो वहीं जो जातक स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान धन लाभ होने की संभावना बन रही है। बता दें कि जो बड़े उद्यमी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वह लोग
इस दौरान गुपचुप तरीके से और कुछ रहस्यमय गतिविधियों की तरफ भी झुकेंगे। आप इस दौरान कूटनीतिपूर्ण फैसले लेंगे जिसमें आपका हित सर्वोपरि होगा। बड़े निर्णय के चलते आप इस दौरान व्यापार का विस्तार करने में भी सफल रहेंगे। यहाँ तक कि बंद पड़े व्यवसाय बिजनेस भी सरकार की नीतियों के कारण एवं औद्योगिक गति के कारण फिर से आपके शुरू हो सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान गठजोड़ एवं नए अनुबंधों की तीव्र संभावना भी बन रही है। व्यवसाय साझेदारी एवं उद्यम स्थापित होने के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों 16 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच माता पिता बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ा चिंता का कारण भी बनेगा। हॉस्पिटल में दाखिल या सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। कपड़ा धातु सर्जरी की वस्तु केमिकल प्लास्टिक प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित लोगों के लिए आय के नए स्रोत इस दौरान खुलेंगे। दलाली के कार्य से जुड़े हुए लोगों के साथ में के हाथ में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आयात निर्यात और इलेक्ट्रॉनिक जगत से जुड़े जो लोग हैं या पर्यटन यातायात रेस्टोरेंट खाद्य सामग्री से जो जुड़े हैं इस दौरान खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में आपको अटका हुआ पैसा पुनः प्राप्त हो सकता है तो वहीं बड़ा लाभ भी आपको हो सकता है। अप्रैल में आईटी प्रोफेशन से जुड़े जातकों को किसी अच्छी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी सैलरी में जॉब मिल सकता है। जो पुरानी नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी इस दौरान नहीं बदलेंगे तो प्रमोशन के चांस आपको मिल सकती हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय या व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आप लाभ की उम्मीद कर सकती हैं। साझेदार के साथ आपकी अच्छी बनेगी। आप पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए समर्पित एवं सहयोगी हो सकते हो। वाणिज्य वर्ग विज्ञान गणित भौतिक शास्त्र आईटी मेडिकल के छात्रों को सफल परिणाम इस दौरान प्राप्त होंगे। अगर आप किसी प्रकार का शोध कर रही हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। राजयोग के कारण आपको विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है। यहाँ तक विदेश में दिए गए आवेदन भी मंजूर हो सकती हैं। हालांकि जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में स्थित हैं उनके लिए भी स्थान परिवर्तन आकस्मिक धन लाभ महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों हालांकि इस वक्त प्रेम और पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति मिलने आपको वाली है। जो लोग सिंगल हैं और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनको रोमांस और मनोरंजन का अवसर इस दौरान उपलब्ध होगा और वह पैसे से संबंधित चिंताओं से आपको राहत भी दिलाएगा। हाँ दोस्तों, अप्रैल में आपको एहसास होगा कि बाहरी शक्तियों की बजाय अंदरूनी भय व शंका आपको धीमा बना रही है। तनाव व चिंता से अपने स्वास्थ्य की आप रक्षा करें। विरोध एवं विवादों को आप नज़रअंदाज करें और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। दोस्तों अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली और खुश नसीब राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि ये राशियाँ हैं मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।